तो अब हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट था हमारे पास ये थे क्वेश्चन 5-6 जो हमारे पास आए। दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वेशन 5 बताई थी, और दोनों का रिजल्टेंट फेज इक्वेशन 6। तो यहां से अब मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस होनी चाहिए मैथमेटिकली उनको डिराइव करता हूँ। तो आप हेडिंग डालिए यहाँ पर से, इसको बदल देते हैं, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ये कंडीशन क्या होगी हम इस पे बातचीत करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब नाम से ही क्लियर है, जब इंटेंसिटीज आपस में जुड़ के कुछ जितना इंडिविजुअल है वो जोड़ जाड़ के उससे भी ज्यादा आउटपुट दे, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। और जहां वो एक दूसरे की इंटेंसिटीज को ही खत्म कर डाले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम यहां से ये शुरू करेंगे, तो वी ऑलरेडी नो दैट तो जो ए स्क्वायर था वो हमारे पास ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू क्रॉस 5 आया था इन जनरल। तो अब मैं यहीं से शुरू, मान लेता हूं मैं दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर है, इस बार हम ये ले लेते हैं, इफ बोथ वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। पहले जब लिया था तो फाइव भी 0 ले लिया था, वो ज्यादा ही आसान हो गया था। थर्टीन ए वन इक्वल टू ए टू और दोनों बराबर है, तो मान लो ए लिख लेंगे तो फिर कैपिटल ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर क्रॉस हाँ फाइव। तो टू ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस क्रॉस 5 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर तो ठीक है, 1 प्लस भी ठीक है, क्रॉस 5 का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये होता है 2 क्रॉस स्क्वायर 5/2 -1, बस इतना सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। वहां 5 था तो यहाँ आधा हो गया 5/2, अब -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4a² cross² 5/2, या आप इसे ऐसे लिख सकते थे 2a cross 5/2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर तो आई प्रोपोर्शनल टू सीधे यही लिख सकते हैं दोबारा 4a² cross² 5/2, इंटेंसिटी इसी के प्रोपोर्शनल है इन जनरल। ये रिजल्ट तब सही है जब दोनों एप्लीट्यूड सेम। पिछला रिजल्ट मैंने फाइ के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, इस बार एम्पलीट्यूड के साथ हो रहा है ये सब काम, ठीक है। तो अब मैं आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पर लिखना चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
इंटेंसिटी आई शुड बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए वहां पर, मैक्सिमम। ये कब पॉसिबल है इंटेंसिटी मैक्सिमम? अब आप प्लीज इसमें देखिए, ये मैक्सिमम है, ये तो कांस्टेंट है, जितना होना है वही है। आप क्रॉस को मैक्सिमम कर सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं क्रॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? हाँ दिस इज पॉसिबल व्हेन क्रॉस 5/2 इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम होती कितनी है भाई? क्रॉस की वैल्यू 1, ठीक है, 1 कहाँ पर, या -1 भी हो तब भी चलेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है तो ±1। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चलेगा यहाँ पर, तो ±1। बेटा ये वैल्यू क्रॉस में एन पाई में आती है, एन आपके पास कोई भी इंटीजर हो, एन इज एनी इंटीजर लिख लो, जैसे एन की जो 0 भी लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, उन जगहों पर क्रॉस या तो +1 होता है या -1। तो अब आपने यहां पर cos 5/2 इक्वल टू cos n पाई, तो 5/2 कितना हो जाएगा? n पाई। दिस इंप्लाई जो फेज है वो 2n पाई होना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई है। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस इक्वल टू 2n पाई। 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, आप ऐसे भी ले सकते। फेज 2n इवन नंबर हुआ, हमेशा इवन इंटीजर हुआ, तो पाई का इवन मल्टीपल 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा होना चाहिए। या आप अगर फेज डिफरेंस की जो पाथ डिफरेंस ले तो, और पाथ डिफरेंस तो आपको लैम्डा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात हुई थी कि जो क्रस्ट से क्रस्ट में या ट्रफ से ट्रफ में जो डिफरेंस है वैसे वो लैम्डा है, वैसे क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं तो यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस कितना होगा? वेव मैक्सिमम पे पहुंची तो अगले 2 पाई के बाद फिर मैक्सिमम पे पहुंचे, ऐसी बात हुई थी। यस हाँ, तो मतलब फेज जो आपका 2 पाई के बाद आ रहा है बेसिकली पाथ के हिसाब से वो लैम्डा दूरी है, तो लैम्ब यही था ना, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई कट जाएगा एन लैम्डा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो दो वेव का अगर पाथ डिफरेंस कितना हो, तो एन लैम्डा, तो फिर वो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं।
वहां पर उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा जुड़ जाएगी आपस में, जुड़ के वो ज्यादा ही दे देगी आउटपुट, जितना उन दोनों का इंडिविजुअल है उससे ज्यादा हो जाएगी। दो वेव्स अगर आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रही है कहीं पर, तो इसका मतलब है उन वेव्स के बीच का जो पाथ का अंतर है, पाथ डिफरेंस, वो लैम्डा का मल्टीपल हो रहा है, एन लैम्डा, मतलब या तो लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा, समझ पा रहे हैं? यस और अगर यही बात पाथ की जो फेज के मामले में कहनी पड़े तो या तो 2n पाई, मतलब पाई का इवन मल्टीपल, 2 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे बोलना। अगर डिस्ट्रक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव चीजें, तब क्या होगा? तो फिर अब उस पर बात करते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई शुड बी मिनिमम, इंटेंसिटी वहां पर मिनिमम होगी, आई मिनिमम का मतलब हमने अभी निकाला था, आई कहाँ था, ये तो ये मिनिमम होने का मतलब क्रॉस की वैल्यू मिनिमम, क्रॉस स्क्वायर में है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है ना, किसी का भी स्क्वायर है उसके सबसे कम वैल्यू क्या होगी, जी तो हम लिख रहे दिस इज पॉसिबल। व्हेन क्रॉस स्क्वायर 5/2 क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब क्रॉस 5/2 0 को, क्रॉस कहां पर 0 होता है? क्रॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है? 5/2 में 0 होता है, क्रॉस 90, यस तो 90 को हम 5/2 बोल रहे हैं, तो 5/2 के ऑड मल्टीपल्स, मतलब 2n+1 हमेशा ऑड होगा क्योंकि 2n हमेशा इवन होता है, तो उससे साथ ही लगा लो जहां क्या है, एन इज इंटीजर, एन को इंटीजर रखेंगे आप, तो 5/2 इक्वल टू 2n+1, 5/2, 5 कैंसिल, नहीं 2 कैंसिल, 5 इक्वल टू 2n+1 5। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां मिलेगा जहां फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल, 2n+1 या 2n-1 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखिए 2n हमेशा इवन होगा, तो उसमें 8 जोड़ो या 8 घटाओ ऑड ही मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर फाइव फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस, तो मैं दोबारा ले रहा हूं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई इक्वल टू 2n+1 पाई, या इसको क्या लिख सकते हैं, क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब अगर इसी में पार्ट डिफरेंस निकालना हो तो क्या था, अभी ऊपर लिखा था ना, पार्ट डिफरेंस के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n+1 पाई,
मैं दोबारा लिखता हूं, और पाथ डिफरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होगा? टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू, तो ऑड मल्टीपल ऑफ इसका लैम्डा बाई टू। अगर लैम्डा बाई टू का ऑड मल्टीपल जिसमें पाथ का अंतर है दोनों वेव्स, तो उस समय भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या फेज में बोले तो पाई का ऑड मल्टीपल तब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों जरूरी नहीं है कि आप जो इंटरफेरेंस साउंड वेव भी दिखाती है और लाइट वेव्स भी, लेकिन साउंड वेव का इंटरफेरेंस ज्यादा महसूस होता है हमको। किसी हॉल में ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पर जो वेव्स आ रही है ना, आप इसको ऐसे समझिएगा, आप किसी हॉल में बैठे हुए हैं, आपकी सीट यहां पर है और ये स्क्रीन है मान लेते हैं, तो हो सकता है साउंड वेव आप तक एक तो सीधे आए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि छत से टकराई साउंड वेव और वो आ गई, हो सकता नहीं ऐसे दो तरफ से आ गई, यस तो ऐसा होने में हो सकता है दोनों वेव इंटरफेयर कर जाएं। इंटरफेयर करेंगी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही तेज हो जाएगी या आवाज कुछ ज्यादा तेज लगेगी आपको, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। भाई पाथ का अंतर समझो ना, रास्ते का अंतर, पाथ डिफरेंस कह रहा हूं। अगर वो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाए तो यहां पर आपको कम आवाज सुनाई दे रही और जड़ों के मुकाबले, इसीलिए जो बड़े ऑडिटोरियम होते हैं या पिक्चर हॉल होते हैं बच्चों, उनके छत में और चारों तरफ दीवारों में वो थर्माकोल और ये सब चीजें लगाई जाती हैं जो साउंड एब्जॉर्बर होते हैं। क्या लगाए जाते हैं? साउंड एब्जॉर्ब, थर्माकोल ताकि आप तक दीवारों से टकरा के आवाज ना आए, नहीं तो गूंजने लगेगी कई बार। केवल ये कोशिश होती है कि जो सामने आवाज आ रही है आप उसी को सुने, छतों से दीवारों से उनमें इस तरह की चीजें लगाई जाएं जो साउंड वेव को एब्जॉर्ब करें ना कि रिफ्लेक्ट करें। सबने रिफ्लेक्ट कर दिया तो हॉल में गजब हो जाएगा। तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अच्छा, पाथ डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? आप समझ में आया? यस तो ये आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था। अब इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग थे, उन 1800 के आसपास ये काम किया हुआ है। हम 200 सवा 200 साल पुराना काम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, इसको आज इतना ही करते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो भाई। नमस्ते। चलो ठीक है फिर बेटा, इतना ही किया जाए इसको।